हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिरकार क्यों जर्मन शेफर्ड सबकी फर्स्ट चॉइस होती है। जब भी कोई डॉग लेने जाता है या डॉग खरीदने की सोचता है तो उनके सबसे पहले उनके मुंह पे एक ही बात आती है कि जर्मन शेफर्ड लेना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि जर्मन शेफर्ड ले लो, और कई कई तो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर भी जो है जर्मन शेफर्ड लेते हैं। तो आखिरकार क्यों इतना जर्मन शेफर्ड पॉपुलर है और क्यों लोग इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आज की जो सीरीज़ में हमारे हम जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है या फिर आप जर्मन शेफर्ड लेने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सही रहेगी। तो गाइस, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जो है जर्मनी से है, और इनको बहुत सारे निक नाम से भी जाने जाते हैं, यानी अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। सबसे पहले जो है कॉमन नेम है वो है जर्मन शेफर्ड, और शॉर्ट फॉर्म में इसे GSD भी बोलते लोग। कई कई लोग जो ऐसे उसको शेफर्ड डॉग भी बोलते हैं, और कई जर्मनी का इसलिए जर्मन और जर्मन शेफर्ड भी ऐसा बोलते हैं। आपको बता दूं, ये वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग माना जाता है। आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग इन्हें ऐसा गार्ड डॉग के लिए भी रखते हैं, अपने घर की सुरक्षा करने के लिए, अपने फार्म हाउस की सुरक्षा करने के लिए, या फिर अपने फैमिली की सुरक्षा करने के लिए। बहुत सारे लोग तो अपने जो बेबी प्रोटेक्शन के लिए भी जर्मन शेफर्ड का यूज़ करते हैं, ताकि उनके बेबी के ऊपर कोई भी हमला या फिर कोई कई तरह की मुसीबत ना आए। और ये डॉग के ऊपर लोग इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं कि जैसे उनके फार्म हाउस है या फिर विलेजेस में रहते, तो जो जानवर होते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए भी, जो जंगली जानवर होते हैं कभी कभार हमला कर देते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी इन डॉग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आज के टाइम में भी, और पहले से भी होता आ रहा है। और गाइस, इसे लेने का या फिर इसे अडॉप्ट करने का और एक रीज़न है कि आपको बहुत सारे कलर में मिल जाएगा। ये आपको 10 और ब्लैक कलर में मिल जाएगा, ये आपको जो सॉलिड ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा, और जो वाइट कलर में भी, जर्मन शेफर्ड प्योर वाइट कलर में भी आपको मिल जाएगा, बट उसे इंपोर्ट कराना जाता है या फिर ये रेयरली आपको देखने को मिलेगा ऐसा कलर। और जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कलर होता है वो ब्लैक एंड 10 कलर जो कॉमन कलर होता है आपको सब जगह देखने को मिलेगा। और ऐसे प्योर ब्लैक अगर आपको लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, बट उसका प्राइस या फिर वो आपको बाहर से कहीं से इंपोर्ट कराना पड़ता है, उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। तो गाइस, अब बात करते हैं मेन रीज़न, यानी इसका प्राइसिंग क्या होता है जर्मन शेफर्ड लेने का। तो ये एकदम अफोर्डेबल, यानी जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है वो भी आसानी से जो है इस डॉग को बाय कर सकती है, क्योंकि इसका प्राइस रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और जो इजीली आपको सब जगह पे मिल जाता है, डॉग शॉप पे, ब्रीडर के पास, या कोई भी सिटी में, विलेज में रहते हो आपको आराम से मिल जाएगा। छोटी मोटी बड़ी सिटी में भी जाओगे तो भी मिल जाएगा। तो इसका जो प्राइस रेंज होता है वो 12,000 से स्टार्ट होता है, 18,000-20,000 तक भी जाता है, और अगर आपको डबल कोट या फिर आपको अच्छे क्वालिटी का लॉन्ग कोट चाहिए तो आपको यहाँ पे 22,000 तक भी आपको देना पड़ सकता है। बट अगर आपको एक अच्छा बजट लिए चाहिए, डॉग ब्रीड अच्छा क्वालिटी का चाहिए, तो आपको 15,000 से 17,000 के बीच में भी आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको टॉप क्वालिटी का चाहिए, अच्छा चाहिए, तो आप फीमेल में भी जा सकते हैं। फीमेल में प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और टॉप क्वालिटी का आपको रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाएगा। और आप जाओगे तो आप बार्गेन करोगे तो आपको 2,000 से 3,000 रुपये का तो ज़रूर से प्रॉफिट होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ जो ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होशियार होते, नई नई चीज़ें आसानी से सीख लेते, आपके घर में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते। आपने देखा होगा जर्मन शेफर्ड बहुत सारे काम घर के इजीली कर लेता है। और आजकल में इन डॉग ब्रीड को बहुत टाइम से आप बोलोगे कि जैसे कि आर्मी में हो गया, पुलिस में हो गया, या फिर अभी अभी जो जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है वहाँ पर भी आज के टाइम पर जर्मन शेफर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जो सिक्योरिटी गार्ड होते वो लोग भी इन डॉग को रखना या अपने साथ रखना, काम पर जाना, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इन डॉग का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफली जर्मन शेफर्ड को अगर आप अच्छी केयर करते हो, अच्छा डाइट देते हो नॉर्मली, तो उसके लिए वो एकदम आपको देखने को मिलेगा, उसके बाल बाल और एकदम उसकी तगड़ी बॉडी देखने को मिलेगी। ऐसे में कोई अगर इंसान आपके घर में घुसने की या फिर कुछ भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, एक बार वो डॉग को देख लेगा तो वो सोचेगा भी नहीं और आपके घर में घुसेगा भी नहीं, क्योंकि जर्मन शेफर्ड इतना आपको तगड़ा और अच्छा मस्कुलर देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई अच्छाई की बात, बस आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि उनको मेंटेनेंस का खर्चा आपको थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि उसके बालों के ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा आपको आ सकता है, और हेल्थ के ऊपर। अगर जर्मन शेफर्ड आप पप्पी लेते हो तो पहले से अच्छा डाइट फॉलो करते हो तो आपको कोई खर्चा आपको ज़्यादा इतना नहीं आएगा, बट अगर आप ज़्यादा उनके खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते, जैसे डाइट अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते, उनके बालों के ऊपर केयर नहीं करते, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए उनके बालों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर आपको ज़रूर से ध्यान देना है। जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग देना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप घर पे भी आसानी से उनको नई नई चीज़ें सिखा सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। आप कहीं बाहर ले जाते हो उनको और वहाँ पे भी अगर डिसिप्लिन सिखाते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट डॉग रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे बाहर भी ले जाते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं, जैसे कि कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो, ट्रैवल करना हो, कार में हो या फिर बाइक में होगा, तो आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे व्लॉग देखोगे, बहुत सारे लोग इसे बाइक पे भी ले जाते या फिर अच्छे से कैरी करके भी ले सकते, तो वो एकदम काफ़ी स्मार्ट डॉग
स्पीड है और अच्छे से नई नई चीज़ें सीख लेता है, इसलिए उस हिसाब से अगर आपको देखना है तो भी जर्मन शेफर्ड आपके लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं जैसे कि गाइस 2 BHK हाउस में भी इन डॉग ब्रीड को आप रख सकते हो, 3 BHK हाउस में भी रख सकते हो, 1 BHK हाउस में आप इसे नहीं रख सकते क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है क्योंकि छोटा घर होता है। इनकी जब शुरुआत के दौर में आपको अच्छे से आप रख सकोगे, बट जैसे जैसे साल चले जाएंगे, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, तो ऐसे में उसकी हाइट बॉडी ग्रो करेगी तो दिक्कत आ सकती है। बाकी 2 BHK 3 BHK के लिए बेस्ट है। और अगर गाइस आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो और आपको एक अच्छा डॉग चाहिए तो भी आप इसके साथ जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बस इसको सोशलाइज ट्रेनिंग आपको अच्छे से देना पड़ेगा, फिर आपके लिए डॉग ब्रीड सही रहेगा। अगर आपकी छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है तो भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर घर में बच्चे वगैरह है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डॉग के ऊपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइएगा। और हमारी ऐसी वीडियो लैब्राडोर के ऊपर भी है, डॉबरमैन के ऊपर भी है, तो वो अभी तक आपने नहीं देखी तो के जरूर से देखना, और बहुत सारी वीडियो जो आपके काम की आएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।